तो मैं निकल चुकी हूँ शुकरताल के लिए और बीच में एक दो काम और भी है तो उसको भी निपटाते चलूंगी। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाऊंगी कि मुजफ्फरनगर से शुकरताल तक का जो वे है वो किस तरीके का है, अच्छा वे है या खराब वे है। गाइस अभी हम पीछे रुके थे बिकॉज हमें भरवाना था कार में डीजल और अभी हम निकल चुके हैं अपने वे पर। समय लगेगा कुछ कहने में किस तरीके का कहना पसंद करेंगे बाय द वे आप? किस तरह का कहना पसंद करूंगा? सेफ रहो, घर में रहो, नहीं नहीं पूरे लोगों से बची रहो और अपने काम पर। घर में नहीं रहो भाई, घर में रह के बहुत बार देख लिया, दो बार लॉकडाउन लग चुका है, घर में रह के देख चुके हैं। सो अभी घर में रहने का टाइम नहीं है, अभी बाहर निकलने का टाइम है, बट बाहर निकलिए, सेफ रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए बीमारी से भी और बुरे लोगों से भी। ये बड़ी अच्छी बात कही है, बुरे लोगों से ज्यादा डिस्टेंस बनाइए गाइस। इसी बात पे मेरे को एक स्टोरी याद आ गई कि एक गांव में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था, किसी के यहाँ भी लाइट नहीं थी। तो एक लड़का था, उसको लगा कि मुझे लाइट यहाँ पे लानी चाहिए, तो वो शहर जाके दिया ले आया। और दिया लाने के बाद में जब उसने दिया जलाया तो दिन भर तो कुछ नहीं हुआ जब तक सूर्य की रोशनी थी, और शाम को जब अंधेरा हो गया तो सिर्फ उसी के घर लाइट थी और किसी के घर लाइट नहीं थी। तो सारे लोग परेशान हो गए। अब लोगों के पास में दो ही रास्ते थे, या तो वो शहर जाके दिया ले आए जो कि मुश्किल काम था, या फिर वो उसको उसके दिए को बुझा दे। तो आसान काम क्या था? बुझाना आसान था। तो अपना काम कोई नहीं करता, दूसरों के काम बुझाने में लगे रहते हैं। इसलिए बी केयरफुल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। काफी अच्छा वे है, मतलब रास्ते में कोई ऐसी जगह आती है कि बहुत ही मन लगता है, और कोई कोई ऐसी जगह होती है कि बिल्कुल मन नहीं लगता। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिंदल पेपर मिल, ये बिंदल पेपर मिल है, ये वाला ना? हाँ जी, यही वाला। ओके, और कौन कौन सी मिल है इस वे पर? बात ही कर रही थी कि शुकरताल जाते हुए कुछ रास्ता तो ऐसा आता है बिल्कुल स्मूथ, अच्छा, बिल्कुल मन लगता है, और कुछ ऐसा उबड़ खाबड़। अभी ये वही वाला पार्ट है, पूरा उबड़ खाबड़ है। ये कितना अच्छा वे है, ये देखिए, ऐसे जो पता है रोड पे ये जो झुके हुए होते हैं ना, इस तरीके से पेड़ झुके होते हैं, मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मुझे नैनीताल और रामनगर की याद आती है अगर ऐसे मैं कहीं भी देखती हूँ, क्योंकि वहाँ का बहुत, रामनगर का मुझे मतलब हमारा काफी टूर रहा है क्योंकि मेरी बुआ जी थी वहाँ पर, और ऐसे ही वे था, लाइक रोड ऐसे जा रही है और आजू बाजू से ना पेड़ ऐसे झुक रहे हैं, तो मुझे वही चीज याद आती है अगर मैं ऐसी चीज को भी देखती भी हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखो यहाँ पे बहुत कम झुके हुए हैं, लेकिन अगर आप रामनगर की साइड जाएंगे और नैनीताल की साइड जाएंगे ना, तो गाइस आपको ये बहुत ज्यादा झुके हुए नजर आएंगे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मुझे भी, हर इंसान की कुछ ना कुछ मेमोरीज होती है, वो जुड़ी हुई होती है। मेरी मेमोरीज भी है कुछ इसी तरीके के रास्ते से। स्टार्टिंग में सारे के सारे रोहाना से वापस जैसे मुजफ्फरनगर जाते थे तो रास्ता ऐसा ही होता था, तो गाइज मोना हम आ चुके हैं, मोना में मुझे कुछ काम है, पहले मैं वो निपटा लेती हूँ एंड देन फिर हम आगे शुक्रताल की तरफ चलेंगे। गाइज अभी हमारा हो चुका है मीटिंग एंड मेरे स्वामी हाय, हमें यहाँ पे कौन मिला जा रहे हैं शुकरताल, और मामी जी भी जा रही हैं, मामी जी, मामा जी और मेरे स्वामी। तो अब हमारे पास दो गाड़ी हो गई है जाने के लिए शुकरताल एंड चलो मिलते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं शुकरताल की तरफ क्योंकि हमारा जो मोना में काम था वो हो चुका है, और हमारे साथ जुड़े हैं अनदर पर्सन। ये जा रही है आगे गाड़ी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि जो घर में पानी रखा था ना वो पूरा उबल चुका है, जैसे कोई किसी ने गर्म करके हमें दिया हो पानी, इतना डिस्टिल्ड वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। बट अभी हमें पीना पड़ेगा कुछ लिक्विड, है ना, शुगर केन जूस पीते हैं अभी हम जब हम आएंगे, पहले हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, जब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना दर्शन करके भी जाए। तो वैसे भी आज मंगलवार है, ट्यूसडे है आज, बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है आज, बहुत प्यास लग रही है, तो अभी हम रुके हैं जूस के लिए।
मम्मी का भी आ गए हैं पर हमारे पे है, तो पहले मैं इसको पी लेती हूँ एंड देन आपसे मिलूँगी। एंट्री कर ली है शुकरताल में और शुकरताल के अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो आज है हनुमान जी का दिन, ठीक है ना, हमारे हिंदू धर्म में। तो आप बताइए हनुमान जी की कोई ऐसी फनी स्टोरी जो कि आपको याद आ। ये कौन सा मंदिर है, बगला मुखी? नहीं, हाँ शायद नया बना है। नवग्रह धाम है ये, श्री नवग्रह धाम। ओके, तो हनुमान जी की कोई फनी स्टोरी बताइए, वो वाली बताइए जो सिंदूर वाली है। सिंदूर वाली? हाँ सिंदूर वाली तो वो बाद की है, उससे पहले तो बचपन में उन्होंने सूर्य साहब को खा लिया ना। वो फनी में आता है, फनी स्टोरी तो फनी है। नहीं मैं बहुत फनी, मतलब उनको नहीं पता था ना कि ये है कौन, और जबकि वो उन्हीं के गुरु है। अच्छा, और उसके बावजूद उनको पता नहीं था कि ये कौन है। उन्होंने सोचा कि कोई फल लगा, क्योंकि उनको पेड़ के पीछे दिखाई दिया, उन्होंने कहा इसको तो खाना है। ओके, तो ये उन्होंने नादानी में किया, राइट? नादानी में किया गया काम नादानी कहलाता है, लेकिन अगर नादानी में ना किया हुआ काम जो होता है उसको क्या कहेंगे गाइस हम? वो तो जानबूझ के किया गया, जानबूझ के किया गया। यहाँ से शुरू हो गया है मेन रास्ता। तो मौसा जी बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं। हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर है मौसा जी। गाइस अब हम घाट पे आ गए हैं, तो सबसे पहले गंगा जी का थोड़ा सा छीटा डालेंगे अपने ऊपर एंड देन मंदिर जाएंगे। नदी में नहाएंगे ना, छीटा डालेंगे ना। हमारे ऊपर आप ही डालना छीटा, क्योंकि हमें तो डर लगता है। देखो लाओ मेरे हाथ पे भी तो थोड़ा सा गंगा नदी का पानी है। हमारा गंगा दर्शन हो चुका है, अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं सबके सब। हम पहुंच चुकी है वाटिका, बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने की, और उसके ठीक सामने ही हनुमान टेम्पल है। ये है, चैनल को लाइक कर दो। धन्यवाद धन्यवाद, कोई तो आया। तो हम आ गए हैं वाटिका। हाँ हमें दिख रहे हो, आप यहाँ हो। मोदीपुरम में भी आया था, बहुत मुश्किल से पकड़ा गया। हाथ में आया था बताओ बोरे सामने वहाँ कहाँ तो यहाँ पर ये चूज हो रहा है कि कौन कौन क्या है, कौन सा स्टैचू कौन है। मैं अपने लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। वो सामने जो बैठे हैं, ये जो वाटिका यहाँ की बनी है, ये बाद में इसका निर्माण हुआ है, अदरवाइज इसको ये हो तो पहले से ही रहा था, बट इसको नक्षत्र वाटिका बोलते हैं। अच्छा। नक्षत्र का मतलब ये है कि जितने भी टाइप के नक्षत्र हैं वो सारे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जितने भी पेड़ हैं जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। जैसे हमारे नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी नक्षत्र होते हैं, या हम जिस तिथि में पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी नक्षत्र हैं सबके पौधे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए आप जिस नक्षत्र की बात हो रही थी वही चीज है, और ये हर राशि हर नेम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है छोटा सा। ये देखेंगे कि हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, मुझे और स्वामी को। चले बंदर है, और बंदर ने हमें यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी मिले हैं। कितने प्यारे हैं ना ये फ्लावर्स गाइस, पर्पल कलर के हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये दो दरबान खड़े तो ये नहीं उधर खड़ा है, पगड़ी पगड़ी बांध के वहाँ चलेंगे थोड़ी देर। तो ये हनी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, अरे बस लाठी थी तेरे मुंह पे मार दूं, ये मार दूं भाई, एक बुजुर्ग से आए यही कर रहा था, यही ये क्या कहते हैं भाई अपने घर पे भी इतनी। मैंने कहा दो अंकल जी रुको जरा,
सबर करो। से हाय, ये है मासी, हमने नहीं मिलवाया था। ये देखो, ये चीकू का पेड़ है और चीकू यहाँ पे तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। भैया चढ़े हैं ऊपर पेड़ पर, जो भैया के हारने के लायक नहीं है। कमोन कमोन भैया, हमें चीकू खिलाओ। कहाँ गए कहाँ गए? ओए देख लो, कभी दूसरे भैया भी आ जाए ऊपर से। ये देखिए ये पेड़ है चीकू, इसके ऊपर पता नहीं क्या आ गया। देखो बहुत बड़ा बंदर तोड़ रहा है। कच्चे हैं ये, हनी नाम का बंदर। बिल्कुल शहद जैसा, देख ले जरा शहद जैसा। लो ब्लैक ब्राउन कलर का। गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वाटिका से, जितना था घूम लिया हमने, एंजॉय कर लिया। गर्मी बहुत है यार, प्यास इतनी लग रही है ना, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा प्यास लग रही है। अभी देखते हैं, बस मंदिर चलते हैं यार और फिर यहाँ से निकलते हैं। और कितना अच्छा व्यू है और इतनी शांति अच्छी लगती है। मंदिर नहीं, सुखदेव जी के मंदिर। अरे पहले हनुमान जी के मंदिर चलेंगे, आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर के, डॉक्टर ने लगवाई सुई, तोता बोला पुई पुई पुई। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वो चूहे के साथ होता है। प्रसाद ले लेते हैं पहले हम। हाँ ले लो, हाँ हनुमान दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हनुमान जी से मिलकर। वो भी आज उन्हीं का ही बार है, उन्हीं का ही डे है आज, उनका आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान टेम्पल, जितने भी टाइप के वानरों की प्रजातियां हैं वो सब बनी हुई हैं ऊपर। गाइज हमारी जो फनी स्टोरी थी हनुमान जी की, जो स्वामी सुनाने वाले थे, बताने वाले थे, तो बताइए स्वामी, लगा कि आप वो वाली स्टोरी बताओगे, जब सीता मैया और से पूछा था हनुमान जी ने कि राम जी आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं। अच्छा अच्छा, वो सिंदूर वाली कहानी। हाँ। तो राम हुआ, नहीं नहीं नहीं, हुआ ये था कि सीता माता ने सिंदूर लगा रखा था, और सिंदूर जब लगाया हुआ था तो हनुमान जी ने पूछा कि ये आपने क्यों लगा रखा है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे प्यार का, विश्वास का प्रतीक है, तो इसलिए मैं ये सिंदूर लगाती हूँ उनके नाम पर। तो फिर हनुमान जी गए, उन्होंने अपने सारे शरीर पे सिंदूर लगा के आ गए कि ये भी मेरे प्यार का प्रतीक है, कि आपने तो सिर्फ मांग में लगाया हुआ है, मैं पूरा उसमें सिंदूर में रंग के आ गया हूँ। तो इसलिए उनको मंगलवार को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई छोटी जो मूर्ति होती है या बड़ी वाली मूर्ति पे भी कई बार पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का सिंदूर लगा होता है, चमेली के तेल के साथ में। तो वो इसीलिए लगाया जाता है उनको खुश करने के लिए कि हाँ हम भी आपके प्यार के। ये वाली थोड़ा मुझे नहीं पता था, ये फनी स्टोरी नहीं एक्चुअली। तो उन्होंने बस अपने प्यार को इजहार करने के लिए एक उनका तरीका था कि मैं सिंदूर लगा के आता हूँ, तो शायद हो सकता है कि मेरे प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करें, जैसे माँ सीता उनको, माँ सीता से जिस तरीके से प्यार करते हैं उसी तरीके से, कि उनका जो विश्वास का और प्यार का प्रतीक है वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये वाली स्टोरी ना कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसी घूमती भी रहती है, ऐसी जैसे मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ये वाली स्टोरी मेरे दिमाग में आती रहती है हनुमान जी की। ये फनी स्टोरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि हनुमान जी ये चीज सोच रहे थे कि पता नहीं सीता मैया को क्यों प्यार करते हैं इतना राम जी, ऐसा क्या करती है सीता मैया। तो जब उन्हें ये बात पता चली ना, उन्होंने पूरा अपने ऊपर उन्होंने सिंदूर डाल लिया था कि जिस प्रकार सीता मैया को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं राम जी, इस तरीके से वो मुझे भी करें। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है वो, और ऐसे ही हम दूसरी स्टोरी के साथ आपके साथ फिर से मिलते हैं। अभी हम हनुमान टेम्पल से निकल रहे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया है हमने। अब हम सुखदेव जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जो उनकी चरण पादुका है वो भी आपको दिखाएंगे, और वहाँ पे अपना दर्शन करके फिर आगे घर की तरफ। घर की तरफ चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। महाराज की जय। Can you
हम पहुंच चुके हैं सुखदेव मंदिर। सबसे पहले तो सुखदेव महाराज रूप में हाथ में भागवत लिए हुए सुखदेव भगवान विराजमान है और उनके हाथ में राजा वृषभ जी हाथ जोड़कर बैठे हुए भागवत सुन रहे हैं। ठीक है, ये व्यास रुद्धि है जहाँ पे बैठ करके सुखदेव भगवान ने राजा वृषभ जी को श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किया और ये 5,500 साल की आयु से भी अधिक इस पेड़ की आयु है। द्वापर युग से संबंध है इस पेड़ का। कलयुग का जो आरंभ हुआ वो यहाँ से हुआ और कलयुग में पहली बार जो भागवत सुनाई गई वो यहाँ सुनाई गई। अच्छा, भागवत की जन्मभूमि भी यहाँ इस चीज़ को बोलते हैं सुखदेव। अच्छा, ये जो तोते पेड़ पे आप देख रहे हो जी, ये सुखदेव भगवान जो थे वेद व्यास जी के पुत्र थे जी। सुखदेव जी की जो उत्पत्ति हुई जन्म का जो कारण बना वो एक तोता बना। अच्छा जी, सुखदेव जी का जो जन्म हुआ वो एक तोते की वजह से हुआ जी, तो इसलिए सुखदेव जी का रूप मानते हैं तोते को। अच्छा, ये तभी से रहते हैं जब से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे सुनाई गई सुखदेव जी ने राजा वृक्षभ जी को। अच्छा, तभी से ये तोते का जोड़ा यहाँ पे रहता है इस पेड़ पर। तो जैसे हमारा परिवार है, आज एक है कल को दो होंगे तीन होंगे चार होंगे, ऐसे ही उनका परिवार भी बढ़ता जा रहा है और ये जो है बैठ रहते हैं पहले से। अच्छा, तो सुखदेव जी का रूप मानते हैं। ये 5,500 साल की आयु से भी अधिक है और इसमें गणेश जी निकले हुए हैं साक्षात नेचुरल निकल रहे हैं इस पेड़ में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। 5,100 वर्ष पुराने चरण पादुका हैं सुखदेव भगवान के और राजा परीक्षित जी के। ये साइड में ऊपर चढ़ के आप ले सकते हो, देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। वो छोटे वाले सुखदेव भगवान के हैं ये वाले, और इधर राजा परीक्षित जी के। सबसे पहले ये चरण पादुका ही थे और ये पेड़, बाकी मूर्तियां मंदिर में जय कर लो माता देखो। अच्छा, इधर ये हां माता देखो दूसरे रखो आपको चाहिए। ये गणपति जी साक्षात नेचुरल निकल रहे हैं। ये भी 10-12 साल पहले की बात है तब पता लगा मेरे को। क्या बात है, जय हो गणपति। बस मुझे वहां से एक उधर गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं सुखदेव जी मंदिर में और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। हाँ यार कुछ ठंडा ले लो। तो गाइस बहुत जोर से प्यास लग रही थी तो हमने लिया है ये लीची जूस और साथ में चिप्स लिए हैं ताकि थोड़ा भूख भी कंट्रोल हो जाए क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है अब, क्योंकि हमारा टी टाइम होता है और टी के साथ ना मैं कुछ स्नैक बना लेती हूँ जिससे कि जो भूख है वो थोड़ा कम हो जाती है। ऑलराइट, तो अभी हम पहले ये पी लेती हूँ एंड देन फिर आपसे मिलती हूँ, बातें करते हैं। गुलाटी जी कहाँ जा रहे हो? गुलाटी जी अपने घर जा रहे हैं। गाइस अगर आपको नहीं पता तो स्वामी को मिमिक्री थोड़ा बहुत करना पसंद है। थोड़ा बहुत नहीं, काफी पसंद है और ये हर बंदे की यू नो मिमिक्री कर सकते हैं। अभी फेमस जो है वो कपिल शर्मा शो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाटी जी, तो उनकी काफी अच्छे से ये मिमिक्री करते हैं और एक बार में अगर आप फोन कॉल करेंगे ना इनको तो लाइक बिल्कुल लगेगा कि वही है कपिल शर्मा शो का डॉक्टर। अदरवाइज सामने से थोड़ा लग सकता है कि हाँ कोई बंदा मिमिक्री कर रहा है, अदरवाइज अगर फोन कर रहे हो ना बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे आप कि कौन ही है आखिर में, मतलब कौन है जो ये बोल रहे हैं इस तरीके से। इतनी अमूमन मेरे तारीफ होते नहीं है पर आज हो रही है तो मेरे को अच्छा सा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड, एक्चुअली वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे हम निकल रहे हैं घर की तरफ और वही जाके चाय बनाऊंगी और कुछ स्नैक्स नहीं, देखिए चाट रखी हुई है तो मैं उसको बनाऊंगी, दही बल्ले वाली चाट। हम सभी के घर में बनती है, आपके घर में बनी होगी तो वही वाली चाट अभी बची है, सिर्फ आज का है स्टॉक। हाँ मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। खाएंगे आप स्वामी? भूख लग रही है। और अभी स्वामी ने चिप्स खत्म किया है और ये दोनों जूस, ये दोनों इन्होंने पी है। ये छोटा सा पैकेट उसमें चिप्स, जरा से चिप्स आते हैं और वो चिप्स किस किस की चाट पे लगेंगे यार। अभी जो हमारे साथ में मासी जी थे और मासी थे उनका मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ गए खाने गए, क्योंकि मासी जी बहुत स्पीड में चला रहे थे कार इस टाइम पे ना, तो लाइक बस निकलते हुए दिखे यहाँ किसे, फिर नहीं मिले हुए हमें वो रास्ते में। भाई वो तो गोली की चोट से गए। गोली की चोट से ऐसे बोलते।
तो अभी मैं घर पे आके मिलूंगी, वे तो मैंने आपको दिखाया हुई है, अभी सनसेट भी हो रहा था का मजा जरा है ले लेती हूँ वे का, तो बाय बाय। A few moments later. Guys, मैंने कर लिया है चेंज और बस आते ही मैंने तुरंत चाय बनाई थी और जो दही भल्ला वाली चाट थी उसको बनाया था, मसाले वसाले बिल्कुल डाल के वो बनाया था, आप देख सकते हैं चाय और दही भल्ला वाली चाट। ऑलराइट गाइस, तो या यही था आज का मेरा व्लॉग, शुक्रताल व्लॉग है आज का ये मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसकी वजह से पता है क्या होता है, कभी कभी दर्शन भी नहीं हो पाते, प्रसाद दिया है आके और बस चेंज किया है और बस तुरंत मैंने चाय और दही भल्ला वाली चाट बनाई थी, तो पहले मैं इसको खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। बहुत थक गई हूँ गाइस, अभी तक मैंने सिर्फ हैंड वॉश किया है, फेस को मैंने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं करूँगी बाद में। राइट या गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग। शुक्रताल में काफ़ी दूर से टूरिस्ट भी आते हैं, देहरादून की साइड से आते हैं काफ़ी, तो या आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। तो या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।